नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ MIUI 12 के अपडेटर ऐप के न्यू अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अपडेटर ऐप का भी दोस्तों अपडेट आता है, ठीक ना। उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको रिसेंट में जाना है, उसके बाद आपको यहाँ पर इस पर लॉन्ग प्रेस करके रखना है। उसके बाद दोस्तों आप सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं इसका जो वर्जन है, यहाँ पर 7.1.3 मैंने इंस्टॉल कर रखा है, ठीक ना। अगर आप अपने फ़ोन में जाकर चेक करेंगे तो आपका कुछ पुराना वर्जन दिखाएगा MIUI 11 का, या फिर MIUI 12 में जिसमें भी होंगे उसका कुछ पुराना वर्जन दिखाएगा। मगर दोस्तों यहाँ पर ये लेटेस्ट वर्जन है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि इस लेटेस्ट वर्जन को आप किस तरह से अपने किसी भी मतलब डिवाइस में यूज़ कर सकते हैं, और इसमें क्या क्या फीचर देखने को मिलता है, और क्या क्या मतलब इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है, क्या क्या बग था पिछले में और जो कि इसमें फिक्स देखने को मिलता है, और साथ ही साथ इसे आप MIUI 11 के डिवाइस में भी किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। सारा इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर जरूर देखते रहिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे ही वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करके साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करके रख लीजिए, क्योंकि इस चैनल में आपको इसी टाइप की वीडियो हमेशा देखने को मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इसके अगर न्यू फीचर्स की बात करें तो दोस्तों आप यहाँ पर सीधा सीधे देख सकते हैं कि MIUI 12 का लोगो आपको देखने को मिलता है MIUI 11 में ही, ठीक ना। अगर आप MIUI 11 का डिवाइस यूज़ करते होंगे तो उसमें भी इंस्टॉल करेंगे तो आपको MIUI 12 का लोगो देखने को मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मैं MIUI 11 पे ही हूँ, मैं कोई MIUI 12 पे नहीं हूँ, फिर भी यहाँ पर MIUI 12 का यहाँ पर लोगो देखने को मिल रहा है। 11.0.9.0 के वर्जन मैं यूज़ कर रहा हूँ। और दोस्तों यहाँ पर चेक अपडेट करेंगे तो कुछ इस तरह से चेक इन होता है। और यही नहीं दोस्तों, अगर आपके पास कोई अपडेट आता है, MIUI 11 का ही कोई अपडेट आता है आपके डिवाइस में, तो यहाँ पर जिस तरह से विंडो एक बनता है MIUI 12 में अपडेट आता है, तो उस टाइप का आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि दोस्तों कमाल लगने वाला है। और दोस्तों यहाँ पर पिछले जो अपडेट था इसका, उसमें यहाँ पर एक MIUI कम्युनिटी का एक ऑप्शन हुआ करता था, उसके बाद अपडेट का ऑप्शन हुआ करता था, तो उसको मतलब रिमूव कर दिया गया इस अपडेट में। और दोस्तों यहाँ पर एक व्हाट्स न्यू का ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि पहले नहीं हुआ करता था, पहले MIUI 11 पे ही क्लिक करने पे मिलता था। अब यहाँ पर व्हाट्स न्यू पे जाएंगे तो आपको सारा व्हाट्स न्यू देखने को मिल जाएगा। उसके बाद थ्री डॉट्स में जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर डाउनलोड लेटेस्ट पैकेज का ऑप्शन मिलता है, सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है, व्हाट्स न्यू का मिलता है, और मोर का ऑप्शन मिलता है, और मोर में ये सब देखने को मिलता है। और दोस्तों अगर आपको अगर इसमें 8 से 10 बार आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक न्यू ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, जिसमें कि दोस्तों चूज अपडेट पैकेज का ऑप्शन एंड रिबूट टू रिकवरी मोड का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों मोर में ये सब तो देखने को मिलता है। और दोस्तों अगर आप यहाँ पर सेटिंग में जाएंगे, उसके बाद दोस्तों देखेंगे तो सेटिंग में आपको सारा पुराना ही ऑप्शन देखने को मिलेगा, मगर इसका लुक थोड़ा सा अलग देखने को मिलता है, और थोड़ा सा बड़ा मतलब देखने को मिलता है। तो ये सभी फीचर्स और ये सभी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। और बाकी दोस्तों हल्के फुल्के बग फिक्स किया गया है, और लुक थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया गया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आप इसे इंस्टॉल करना चाहते हैं अपने किसी भी Xiaomi के डिवाइस में, आप MIUI 11 में हो या फिर 12 में, किसी में भी हो, तो आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि आपको डिस्क्रिप्शन में अपडेटेड ऐप का मैं लिंक दे दूंगा, उसको सिंपली डाउनलोड करना है, उसके बाद उसको अपडेट कर देना है, उसके बाद तो कुछ भी नहीं करना है आपको। जैसे ही आप उसे इंस्टॉल कर देंगे, उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर ओपन करेंगे तो आपको इस टाइप का लुक देखने को मिल जाएगा आपके डिवाइस में, और कुछ भी एरर नहीं आएगा। हर डिवाइस में सपोर्ट कर रहा है, कोई भी डिवाइस हो, पुराना डिवाइस, नया डिवाइस, सभी में वर्क कर रहा है। जिसमें कि MIUI 12 नहीं मिलने वाला उसमें भी वर्क करेगा, तो आपको कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों बस वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर जरूर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके रख लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।